हालांकि ये हालांकि ये ट्रेनिंग करने का बेहतरीन टाइम है। अगर आप वेस्ट को चेक करें, इस वक्त उन्होंने एम्प्लॉयज को इंगेज करने के लिए ट्रेनिंग कराई है। नामुसाइद हालात के अंदर ही आप लोगों को तैयार करते हैं। हमारे यहाँ अजीब अजीब मेंटेलिटी है। चंगेज़ खान काबुल तक आया, ये जो काबुल में ताजिक और उज्बक हैं, छोटे कद चपटी नाखें गोरा रंग, ये चंगेज़ की नस्ल है, ये मंगोल है, ठीक है। काबुल से आगे नहीं आया। जब काबुल पे आया, ये खुरम की बात के लोग ट्रेनिंग नहीं करा रहे, काबुल पे आए दो लोग भेजे। बर्फबारी का महीना था, नवंबर का महीना, काबुल में शदीद बर्फ़ गिरती है। दो लोग भेजे दिल्ली, जासूस, जाओ देखो हालात देख के बताओ। काबुल पर रुक गया, अब निकलेंगे लाहौर से होते दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करते हैं, बर्बादी करना। तो एक महीने के बाद कहते, तो उस वक्त का सफ़र, घोड़ों का सफ़र। एक महीने के बाद दोनों आदमी वापस आए, कहेंगे खाकान हिंदुस्तान पे एक पागल बादशाह की हुकूमत है। उस वक्त मोहम्मद शाह तुगलक की हुकूमत थी, तुगलक की हुकूमत थी। तो चंगेज़ ने पूछा क्या मतलब, कहेंगे शदीद बर्फबारी में एक हिरन के पीछे पूरी फौज को लेके जंगल में घुसा हुआ है। तो चंगेज़ ने कहा तारीख फरिश्ता में मिशलें गुल करो, घोड़े तैयार करो, खेमे उखाड़ो और वापस चलो। मिशलें गुल करो, घोड़े तैयार करो, खेमे उखाड़ो, वापस चलो। वो पागल नहीं है, वो हिरन के पीछे नहीं गया, वो नामसाइद हालात में फ़ौज को लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। आप चेक कर लें, चंगेज़ काबुल से आगे नहीं आया, वापस पलट गया। ये टाइम था लोगों को ट्रेन करने का, उनको इंगेज करने का। PIM के अंदर रमज़ान का महीना अगर आप देखें तो ब्लैंक होता है हमारे कैलेंडर में। रमज़ान में कितने लोग आते हैं, जी तकरीब तकसीम इनामात करनी है, हम फ्री कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है, स्टाफ इंगेज हो जाता है। हम कहते हैं ये खर्चा दे देंगे आप, ऐसे चलेंगे, हाँ दे देंगे, मगर ओके और कुछ नहीं चाहिए आपसे। स्टाफ, मैं अपने स्टाफ को इंगेज कर देता हूँ। फैज़ से किसी ने पूछा कि शोरा पे एक बैरन पीरियड आता है जिस वो शेर नहीं कहते, फैज़ ने कहा बिल्कुल आता है, आप पे आता है, फैज़ ने कहा बिल्कुल आता है। उस वक्त आप क्या करते हैं, फैज़ ने कहा उस वक्त पढ़ता हूँ, उस वक्त पढ़ता हूँ। जेल में ये मुकालमा हुआ, जेल में है ना, तो फैज़ ने कहा उस वक्त पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब जब लिखने का वक्त आएगा तो मेरे पास कुछ फूड ऑफ थॉट होगा तो लिखूंगा ना। तो आप बुरे हालात में ही अपने आप को, गुड डेज नेवर लास्ट सो डज द बैड, अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे भी तो नहीं रहते ना यार। अच्छा अच्छे दिन आते हैं तो हम समझते हैं गुजर जाएंगे, बुरे दिन आते हैं मान लेते हैं गुजरेंगे ही नहीं। ये इंसान इंसान की फितरत में नेगेटिविटी उसने रखी है कि इंसान समझता है बुरा दिन तो शायद गुजरेगा ही नहीं।